हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब के द्वारा बताया गया है कि निबंध के जो पेपर है उसका जो तीसरा पार्ट है वो वेरी बिहारी होगा, दैट मींस वो बिहार के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगा, बिहार की सोसाइटी से रिलेटेड होगा। तो ये जो सेक्शन है इसमें उन्होंने संकेत दिया था कि इसमें मुहावरे जो बिहार में प्रसिद्ध हैं, लोकोक्तियां वगैरह सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और उसी पे आपको निबंध लिखना होगा। तो देखिए, मुहावरे को लेके जब मुहावरे की बात आती है तो अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बस उसका जो ठेठ अर्थ होता है, जो मतलब जनरल अर्थ होता है, उसको हम समझ लेते हैं और उसका ध्येय पूरा हो जाता है। तो इतना ही नहीं है, जब बात आती है निबंध की तो इसमें किन किन डायमेंशंस को छूना होगा, कैसे आपका थॉट प्रोसेस काम करना चाहिए, इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट, आपका जो भी समय हमारे साथ व्यतीत करने वाले हो काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है ये आपके लिए, आपके लाइफ में, आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट एंड इफ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। और हमारे द्वारा 6 मंथ प्लस करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज चलाई जा रही है 68 बीपीएससी मेंस के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप नए हैं, उन वीडियो को एक्सेस नहीं किए हैं तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, यहां पे या यहां पे राइट कॉर्नर पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। भोजपुरी कहां होते हैं? देखिए, किसी भी सोसाइटी को जब समझना हो या मतलब उसको अंदर तक गहराई तक जानना हो साहित्य के लेवल पे, तो वहां पे उस समाज में प्रसिद्ध लोकोक्तियां देखो, प्रसिद्ध कहावतें देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी का थॉट प्रोसेस जो है क्या है, किस तरीके से सोसाइटी या कोई समाज या कोई राज्य जो है या कोई एक समुदाय किस तरीके से सोचता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ मुहावरे जो है इसमें मैंने समाहित किया है और आपको मैं बताऊंगा कि इन मुहावरों को लेके, या मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 20-25 मुहावरे ऐसे तैयार कर लेना और उस पे जो थॉट प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसी थॉट प्रोसेस के साथ जो है एक फॉर्मेटिंग कर लेना, ताकि यदि एग्जाम में वो पूछ दे तो आप आराम से उस पर निबंध लिख सको माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसमें पहला है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कि आनहर गुरु बाहिर चेला, मांगे गुड़ तदेवे ढेला। काफी प्रसिद्ध ये कहावत है, अमूमन हमारे मतलब समाज में बोला जाता है, आप गांव में जाओगे तो ये जो ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को बता रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस तभी होगा जब उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, टीम जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं है। तभी तो कहा गया है कि आनर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ तलिए ढेला। अब इसमें अपभ्रंश होते जाता है और रीजन वाइज जो है ये मतलब चीजें इसमें थोड़ी बहुत शब्दों का हेर फेर होते जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये टीम जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या टीम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए, टीम के सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इन शॉर्ट ये यह कह रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे आप सोचोगे, सबसे पहले कि आप एक एस्पिरेंट हो तो आप सोचो, या व्यक्तिगत लेवल से सोचो, मतलब एकदम लोअर स्टेटस से सोचो और इसको आप पारा मोटिवेशन तक ले जाओ। अगर लोअर स्टेटस से सोचे हैं तो इसमें स्पिरिचुअल डायमेंशंस को हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आपके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में और आपके क्रियाकलाप में, आपके सोच में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपके व्यक्तित्व का विकास जो है छत बिछत होगा और कोई आपके व्यक्तित्व को न जान पाएगा और न जो है आपके समाज में आपका कोई खास योगदान हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, आपकी पांचों इंद्रियों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप अभी पढ़ने बैठे तो आपको ऐसा मन करेगा कि चलो निरहुआ का या खेसारी लाल यादव का नया फिल्म लगा है पटना के किसी भी मॉल में, तो चलो देख के आते हैं पीवीआर सिनेमा में। तो ये क्या हुआ कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो सिक्स सेंसेस हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। तभी तो मान लीजिए कि आपका एक तरफ मन मतलब आपकी आत्मा कह रही है चलो पढ़ लो, जो मतलब आप हो वो कह रहे चलो पढ़ लो, लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेट है, माइंड है, वो आपकी बात ही नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि ना चलो पहले ढेला देख लो। आप गुड़ की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है चलो पहले ढेला देख लो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जब स्पिरिचुअल, यहां पे स्पिरिचुअल डायमेंशंस का सोचा आपने। ठीक है, फिर इसमें आप एक बात करोगे, और ये डायमेंशंस क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एक डिनोशन है किसका, डिसिप्लिन का, अनुशासन का। ठीक है, आपके शरीर के जो भी सिक्स सेंसेस हैं उसमें कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन यदि राष्ट्र, यदि परिवार में हो,
या किसी टीम में हो या किसी राज्य में हो या राष्ट्र में हो, जब ये होता है तो उनका सक्सेस जो है सियोर होता है। वहीं बात करें ये डिसिप्लिन, यदि परिवार की बात करें तो यदि परिवार में जो भी सदस्य हैं यदि अपने लीडर की बात ना माने, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं या दादी जी हैं, कोई भी परिवार का मुखिया है, तो कोई कह रहा है कि देखो हमारा इनकम जो है 10,000 या 20,000 रुपया है पूरे परिवार का, तो हमें इन इन चीजों पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी पे खर्चा करना चाहिए। ये नहीं है कि हम जाके सप्ताह में एक बार सिनेमा हॉल में जाके वो कर लें, 500 रुपया 1,000 रुपया खर्चा कर दें, या होटल में जाके खाना खा लें उसमें 2,000-3,000 रुपया खर्चा कर दें, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वहीं ये आपके मतलब टीम लीडर का कहना है, आपके गुरु का कहना है, लेकिन जो चेला है दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेटर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, यदि वो ये कह रहे हैं, वो बिट्रे कर रहे हैं कि ना हम मूवी देखें, हम खेसरिया जो है हमारा बहुत पसंदीदा हीरो है, इसका नया नया मूवी आ रहा है, हम जाएंगे देखने, तो क्या होगा? ठीक है भैया जाओ, जब बात नहीं मानोगे तो जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, जब आप चरमराएगी तो गरीबी के विशेष सर्किल में जाओगे, जब गरीबी के विशेष सर्किल में जाओगे तो सीधे जब आप यदि मिडिल में हो या मिडिल अपर में हो तो आप लोअर स्ट्राटा में गिर जाओगे, अत्यंत ही गरीब हो जाओगे। तो ये सारी चीजें डिसिप्लिन, चाहे वह परिवार की बात करें या किसी कबड्डी टीम की बात करें या किसी फुटबॉल टीम की बात करें, सबको जो है कोऑर्डिनेशन, उनकी सफलता के लिए जो भी मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, जो भी सदस्य हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अतः ये सिद्ध करता है कि यदि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो असफलता का द्योतक है, नहीं कोऑर्डिनेशन हो तो वो सफलता निर्धारित करता है। इसमें कैप्टन कूल वगैरह का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी थे तो कैसे कोऑर्डिनेशन करते थे, कैसे उसमें आनर गुरु बहिर चला ना होके जो सारी चीजें थी, गुरु भी बहुत जागरूक था और चेला भी बहुत जागरूक था, और यदि गुण की बात हो तो गुण की बात करते थे, ढेला की बात हो तो ढेला की बात करते थे। ठीक है, तो कोई एक चीज नहीं है कि इसके एक डायमेंशन को इसमें आजाद हो, निबंध का मतलब आप आजाद पंक्षी बन जाते हो, आपका मना मस्तिष्क जो भी सोचो ना, आप ये मत सोचो कि मैं बहुत खराब सोच रहा हूं, जो खराब सोच रहे हैं वो भी लिखो, उसका भी नंबर मिलेगा, जो मतलब रोनेस होगी ना आपके राइटिंग में तभी आप नंबर मिलेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो रोनेस की बात करी जाती है, यही तो कहा जाता है कि अपने अपने शब्दों में लिखो, तो अपने शब्दों का लिखने का मतलब ये नहीं कि कहीं किताबी किताब से रट। और मैं सही बताऊं कि मैं भी एज अ टीचर मैं आपको आपके सेंस ऑफ वंडर को क्लिक कर सकता हूं, उसको एक्टिवेट कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, किसी की सोचने की शक्ति को मैं लिमिट नहीं कर सकता, हाँ उसको मैं बढ़ा जरूर सकता हूं। आप इन आयामों पे सोचो, फिर विकास बिहार के विकास की बात करें तो इसमें जो कास्ट कोऑर्डिनेशन है ये जरूरी है ना। अब मान लीजिए हम क्या है, बाइफर्केटेड है, अभी कास्ट सेंसस हो रहा है, कास्टों के लिए कोड डिवाइड करा जा रहा है, तो इसमें यही है, आनर गुरु और बहिर चला, कोई कहेगा नहीं है हमारा कास्ट है, सरकार हमारे फेवर में है, कोई कहेगा नहीं भैया सरकार हमारे फेवर में नहीं है, या सरकार ऐसा कुछ करती है कि वो कुछ कास्टों को सपोर्ट करे कुछ कास्टों को सपोर्ट नहीं करे, तो क्या होगा? अंततोगत्व जो बिहार का सक्सेस है, बिहार का जो लक्ष्य है आने वाले 10-20 सालों में, वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है टीम के सक्सेस के लिए, चाहे परिवार के सक्सेस के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो 2-4 लोग हो, या किसी राज्य के सक्सेस के लिए, या किसी देश के सक्सेस के लिए, ओवरऑल वैश्विक व्यवस्था के सक्सेस के लिए भी अनुशासन या रूल ऑफ लॉ जो है बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो विकास के लिए स्टेट कौन है? फिर इसके बाद यदि स्टेट्स की बात करें तो आप मान लीजिए सेंटर कह रहा है कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कानून जो है बहुत जरूरी है, और कुछ लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या कोई है, मैं मतलब जनरल बात कर रहा हूं, और वो कहेंगे ना भैया हम इस कानून को मन में नहीं करेंगे, भले उनको कितना ही समझाया जाए, मतलब किसी कानून का कितना ही उनको बेनिफिट दिखाया जाए, देखिए हर एक कानून का कुछ बेनिफिट होता है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, 100% वैसे नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता है, तो इन सारी चीजों पे कोई कोऑर्डिनेशन बनता ही नहीं है, तो ओवरऑल राष्ट्रीय सुरक्षा जो है हमारी निर्धारित ही नहीं हो पाएगी, या किसी लक्ष्य को हमें एसडीजी गोल को प्राप्त करना है तो एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिए मान लीजिए केंद्र द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि चलो हम साथ में मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और आनर गुरु बहिर चला वाला खिसा नहीं करते हैं कि चलो मतलब हम ये कह रहे हैं और तुम ये करो, हमें प्राप्त करना है एक समेकित लक्ष्य को प्राप्त करना है, एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना है, तो सब में डिसिप्लिन जरूरी है, सब में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तब जाके हम सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो फिर एग्जाम्पल दे देंगे
किसका, अभी पाकिस्तान का दे देंगे, पाकिस्तान का एग्जांपल देख लो, पाकिस्तान में यही हाल था, आनर गुरु बहिर चेला मांगे गुण तलैया ढेला, मतलब जो वहां पे लोकतंत्र है, जो वहां पे डेमोक्रेसी है और जमहूरियत है, और जो वहां पे सेना है उसमें, मतलब जो जमहूरियत के लीडर है या सेना, उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सेना अपने आप को ताकतवर समझती है, जो जमहूरियत के लीडर्स हैं वे अपने आप को अलग, मतलब अलग अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग अलापते हैं, दैट मीन्स उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जो उनका समेकित प्रयास, मतलब लक्ष्य होना चाहिए कि जो उनके यहाँ गुर्बत है, मतलब गरीबी है, जो लाचारी है, उसको दूर करें, तो ये कोऑर्डिनेशन न होने के वजह से, आंधर गुरु और बहिर चेला वाले सिचुएशन के वजह से पाकिस्तान जो है अभी विफल राष्ट्र के कगार पे है। तो हमें ये इन इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अनुशासन लाना चाहिए, जितना सोचो ना उतना ही कम है, ठीक है। तो ये चीजें मैं सोचने का डायमेंशन बता दिया, इस पर आप सोच सकते हो। दूसरा है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ये देखिए नेगेटिव कमेंट है, लोग चिड़ावना, मतलब लोग चिड़ावे ला, मतलब हमारे सोसाइटी में कि बाप जी अनहारा में बेटा का नाम पावर हाउस, तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत कमेंट है और नेगेटिव कमेंट है। कुछ व्यंग्यात्मक कमेंट भी होते हैं लेकिन ये नेगेटिव कमेंट है, आपके परिसीमा को सीमित करने की, आपके मतलब आपके पावर को, आपकी पर्सनैलिटी को सीमित करने की कोशिश की जा रही है समाज के कुछ ऐसे हिस्सों का, जिनको ऐसा लगता है कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचान लिए, आप अपने पावर को पहचान लिए, आपने टेम्परामेंट, सही टेम्परामेंट को पहचान लिए, आप जीवन में डिसिप्लिन हो गए, आपके जीवन में कोऑर्डिनेशन हो गया, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपके उस पावर को लिमिट करने के लिए, आपके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को लिमिट करने के लिए ये कहा गया है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, कि एक मूस कितना भी मोटाई तो कहा हुई लोढ़ा हुई, मतलब लोढ़ा जो वो मतलब सिलट पे हम चला के पीसते हैं, कोई हाथी तो घोड़ा नहीं हो जाएगा ना। तो ये क्या है, देखिए समाज में जो लोकोक्तियां हैं, समाज में जो मुहावरे हैं, वो समाज के द्वारा ही बनाया जाता है, समाज के किसी लोगों के लोग, मतलब किसी पर कहा जाता है, कटाक्ष कर दिया जाता है, तो ये चीजें समाज के द्वारा है लेकिन ये निगेटिव है, समझ रहे ना। तो ये दिखाता है कि समाज की रिस्क न लेने की प्रवृत्ति का ये द्योतक है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ऐसा कोई कहता है तो कोई निगेटिव आदमी ही कहेगा, उस खुद उसको अपने मतलब क्षमता पे विश्वास नहीं है, वो ये सोचता है कि गरीब का बेटा जीवन भर गरीबी रहना चाहिए, ठीक है, उसको आगे बढ़ने की बढ़ने का नहीं सोचना चाहिए, या ऐसा एक और कहा जाता है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। देखिए ये जो है ये दो आयामों में इसको सोच सकते हैं, एक तो ये आयाम है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, दूसरा ये आयाम है कि ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का उदाहरण भी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्थिक आपकी अभी शक्तियां हैं, मान लीजिए कि आप 20,000 आपका फैमिली इनकम है और महीने में आप 25,000 खर्चा कर रहे हो, तो ये 5,000 को जो डेफिसिट है ये कहां से पूरा होगा, आप हमेशा ही गरीब रहोगे, आजीवन गरीब रहोगे। तो इस सिचुएशन में कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए, ये तो सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, मतलब सिक्के के दूसरे पहली को देखें, तो ये रिस्क लेना भी मतलब रिस्क लेने के अगेंस्ट में है। तो मैं ये कहूं, मतलब अंततोगत्व आप ये लिख सकते हो कि ऐसा होना चाहिए कि ये जो 5,000 का गैप है हमारी पर, मतलब हम ये सोचते हैं, हमारी ये सोच है, हमारी थॉट प्रोसेस है कि हम मर्सिडीज पे चढ़ेंगे, तो उस मर्सिडीज पे चढ़ने के लिए जो मतलब मान लीजिए 50 लाख 60 लाख की गाड़ी है, या फॉर्चूनर पे चढ़ेंगे, तो उस पे चढ़ने के लिए पहले हम जो हमारा सोर्स है उसको जनरेट करें, इनकम सोर्स है उसको जनरेट करें, उसको ब्रॉड करें, तब हम सोचें। सोचने पे वो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास जितना अभी ठंडे का दिन है और जितना चादर है उसे एक्स्ट्रा पैर पसारेंगे, तो हमारा जो पैर चादर के आउट में होगा उस पर ठंडी लगेगी, तो हम पहले सोचे कि हम अपने चादर को बड़ा करें, जरूर बड़ा करना चाहिए, और यहां से रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना मतलब इनोवेशन करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए, ये मैं किसी और उसको बताने लगा, ठीक है। लेकिन ये जुड़ा हुआ है इसी से, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, क्योंकि ये एकदम से निगेटिव कमेंट है, कि किसी पर निगेटिव कटाक्ष करा गया है, तो ये जताता है कि समाज में रिस्क न लेने की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहिए, लेकिन सक्सेस के लिए, समाज के या किसी भी सोसाइटी के सक्सेस के लिए विल पावर बहुत जरूरी है, एज अ पर्सन की बात करें, एज अ स्टेट की बात करें, और एज अ कंट्री की बात करें। और फिर एग्जांपल दे दे के इसको लिखो ना, 300 400 500 600 700 1000 शब्दों में लिखा जा सकता है, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये चीजें जो है, अब मान लीजिए आप इसी पे, मैं आपको यहां पे थॉट प्रोसेस बता रहा हूं कि किसी भी चीज को लेके कैसे सोचना है, यही आपको मटेरियल दे देता तो आपका मन जो है कुंठित हो जाता। मैंने
मैंने आपको बताया ना कि इसमें कोई आप ये सोच रहे होगे कि मैं अच्छा नहीं सोच सकता हूं, आप जितना गंदा सोचो उतना गंदा लिखो, निबंध का मतलब यही होता है, ठीक है। आपको नंबर रॉनेस का जरूर मिलेगा, खराब नंबर नहीं मिलेगा। अब ये नहीं है कि आप पूछ रहे हैं आम और लिखने लगो इमली, उससे रिलेटेड, उससे कोऑर्डिनेटेड, उससे जितना भी चेन बन रहा है उन सारे चेन के आयामों को, उन सारे चेन के कड़ियों को लिखो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब अगला है मंगनी के बैल के दांत ना देखल जाला। तो गांव में कहा, मतलब कहा जाता है ना कि कोई फ्रेंड, जैसे हम लोग थे तो बचपन में कोई खिला देता था या कोई किसी के, मतलब कोई बुला के कुछ गिफ्ट दे देता था, तो हमारे फ्रेंड कहते थे अरे यार चलना मंगनी के बैल के कोने दांत थोड़े देखल जाला, ये दे दे लो तो सही हुआ। लेकिन ये देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पे, और वो लोग जो असक्षम है या जो मतलब अभाव में जी रहे हैं, मान लीजिए जिनको खाने का लाला है, लाले पड़े हैं, कई दिनों से कोई भूखा है, तो उसे दो रोटी और एक प्याज भी दे दोगे तो वो ये कहावत उसके लिए मतलब सही है, सही बैठता है कि मंगनी के बैल के दांत ना देखा जाला। या कोई नंगा धड़ंगा है और भयानक सर्दी पड़ रही है और उसको आप फटा पुराना कंबल दे दिए, तो फिर भी वो मतलब कोई अगर वो कहे कि वो कुछ शिकायत करे तो अब उस पर कुछ कहा जा सकता है कि मंगनी के बैल के दांत ना दिखल जाला। लेकिन ये अभाव में जीने वालों के लिए है या जो सक्षम है उनके लिए है। लेकिन जब बात आती है मानव की, एज अ मतलब स्ट्रांग मानव की और मानव की अपनी क्षमता के उपयोग की, तो ये चीजें जो है ये गलत है। व्यक्तिगत जीवन में उनके लिए सही है जो अभाव में है, लेकिन अगर उससे ऊपर जाते हैं, उठते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा कि जो लोग कई दिनों से भूखे हैं उनको रोटी, दो रोटी और प्याज दे दो, तो वो संतुष्ट हो जाएंगे और वो ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमें संतुलित भोजन क्यों नहीं कराया गया या इतना कैलोरी का, 2100 कैलोरी का भोजन क्यों नहीं कराया गया, तो वहां पे कोई कह सकता है मंगनी के बैल के दांत ना देखा जाला। लेकिन जब यही बात आ जाती है राज्य की, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य आपको बुरी सेवाओं देके, बुरी सेवाओं को, सेवाओं का सर्विस देके ये नहीं कर सकता है कि मंगनी के बैल के दांत ना देखा जाला, ठीक है। क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी है एज अ लोक कल्याणकारी राज्य की, सबका साथ करे, सबका विकास करे, समाज में जो सामाजिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, वो अपने प्रयासों से दूर करे। यह फैमिली हेड के रूप में एक पिता नहीं कह सकता अपने बच्चों को कि मतलब मंगनी के बैल के दांत ना देखा जाला, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का बढ़िया से लालन पालन पोषण करे और समाज में रहने लायक बनाए, समाज में जो प्रतियोगिता है उसके लायक बनाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सोच सकते हो, इसको लिख सकते हो। एक और मैंने इसमें दान डाल दिया, सब धान साढ़े, कहीं 22.5 पसेरी लोग बोले ला, और कहीं सब लोग बोलते हैं कि सब धान 22.5 पसेरी, ऐसे लोग बोलते हैं, या कई कई बोलते हैं सब धान 22 पसेरी, ठीक है, मतलब सब एक समान, वन साइज फिट फॉर ऑल, ठीक है। यह जो है एक राजा के तौर पे अपने प्रजा में किसी के साथ विभेद न करना किसी भी तरीके का, ये सही है कि फलना नहीं हमारे नजर में ऊंचा है ना ही नीचा है, हमारे लिए सब धान 22 पसेरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई फलना कास्ट का व्यक्ति आ गया या कोई फलना बाबू आ गए तो हमको उसको, हमें उसे विशेष हमने ट्रीटमेंट दे दिया, या कहीं कोई मतलब गरीब व्यक्ति आ गया तो हमने उसे विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया। एज एडमिनिस्ट्रेटर आपका कर्तव्य होना चाहिए कि सब आपके नजर में 22.5 पसेरी है, मतलब या 22 पसेरी है। लेकिन वही जब इसमें हर एक चीज का अपवाद होता है, लेकिन हम जब बात करते हैं विषमताओं की, तो विषमताओं के को आंकने में लेके सब धान 22.5 पसेरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जो लोग जो कमजोर हैं उनको विशेष अटेंशन की आवश्यकता है, और जो लोग थोड़ा सा स्ट्रांग हैं बस उन्हें पुशअप देने की, पुश करने की आवश्यकता है, वो खुद ब खुद दौड़ने लगेंगे, इतने सक्षम हैं। तो वन साइज फिट फॉर ऑल वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है कि जब हमारा पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तो केंद्र सरकार के द्वारा वन साइज फिट फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पे या सब धान 22 पसेरी के कॉन्सेप्ट पे लागू करा गया। लेकिन हमारे राज्य में, हर एक राज्यों में जो है अलग अलग विविधताएं हैं, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उसको सरकार ध्यान नहीं देती थी, और केंद्र में जो प्रायोजित कोई योजना था वो सबके लिए एक समान बना देती थी, सबके लिए एक फंड मतलब वो कर देती थी, तो इससे सब राज्यों का समान विकास नहीं हो पाया। जो स्ट्रांग थे वो आगे बढ़ते गए, जो पिछड़े थे वे हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन रह गया और पिछड़े ही रह गए, ठीक है। और ये चीज जो है नॉट गुड फॉर फैमिली, नॉट गुड फॉर स्टेट और नॉट गुड फॉर कंट्री, क्योंकि इसका ड्रॉबैक है,
यदि ऐसे ट्रीट किया गया वन साइज फिट फॉर ऑल वाले के हिसाब से, तो व्यक्तिगत असमानता समाज में व्याप्त होगा, सोसाइटी में व्याप्त होगा, फैमिली में व्याप्त होगा, क्षेत्रीय विकास में असमानता भी डेवलप होगा, डिस्पैरिटी इन रीजनल डेवलपमेंट। जैसे हमारे यहाँ अभी क्षेत्रवाद की एक बात, मिथिलांचल की बात करी जा रही है, तो मिथिलांचल क्या है, क्षेत्रीय आर्थिक विषमता का जो है यह द्योतक है, क्योंकि ये देखिए ये बाढ़ का रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है वे लोग वो जो जहाँ हायर रिस्क वाला जो बाढ़ जोन है उसमें भी जाके बस रहे हैं, तो जो बाढ़ आती है तो उन सबसे ज्यादा मतलब कुप्रभाव उन्हीं पे डालती है, और सरकार जो है इसके लिए कुछ कर नहीं रही है, मतलब रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए कुछ ये नहीं कह मतलब प्रयास नहीं कर रही है, माफ कीजिएगा इतना टकने के लिए, और ये सोच रही है कि सावधान साढ़े बाईसे पसेरी कि हमारा राज्य जो है हमारे राज्य के हर एक हिस्से के लिए समान ही योजना चलेंगी, समान ही पैसा वैसा दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन राज्य को क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए ये सावधान साढ़े बाईस पसेरी के कॉन्सेप्ट पे न सोच के विविधता के बारे में सोचना चाहिए कि किसको कितना आवश्यक है, ठीक है, इसके नहीं तो ये विखंडन की स्थिति पैदा करती है, चाहे वह सामाजिक विखंडन हो, सांस्कृतिक विखंडन हो, राज्य का विखंडन हो या देश का विखंडन हो, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर किया, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं समझा जो मेरा प्रयास जो है सफल हो गया होगा, क्योंकि मैं यही क्लिक कराना चाहता था सेंस ऑफ वंडर, इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको सोचना कैसे है, कितना भी आयाम पे आप सोच सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी सोचो, लेकिन लिखना मतलब जो रॉनेस होती है उसका मिलता है नंबर, मैं आपको बताऊं तो मतलब उसमें एग्जांपल देके प्रॉपर मतलब उसको रेलेवेंट एग्जांपल दो उसमें रेलेवेंसी के साथ, और जो लिखो मान लीजिए कि आप लिख रहे हो कि कोई मान लीजिए कोई एसे लिख रहे हो तो एसे में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। देखिए हम आंसर लिखते हैं और एसे लिखते हैं इसमें क्या फर्क है, मान लीजिए कि हमने आंसर लिखा तो आंसर के फर्स्ट पार्ट में कुछ और लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट में कुछ और लिख सकते हैं, बस हेडिंग देके, लेकिन ऐसे ओसे में हेडिंग वोडिंग नहीं देना होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ऐसे में मान लीजिए कि आपका एक पैराग्राफ जो है यहां पे खत्म हो जाता है, तो आप यहां से शुरू करोगे ना तो यहां पे जो खत्म हो रहा है और यहां पे शुरुआत हो रहा है इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, इसी मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आप प्रयास करो, एक महीना का समय है, एक महीना में काफी कुछ हासिल किया जा सकता है, मनुष्य के अदम इच्छा शक्ति के आगे ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है, तो एक महीना आपके फेवर में आएगा, ठीक है, और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, मेरा प्रेजेंटेशन मेरा बताने का तरीका सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो को लाइक करना, अपना सजेशन देना, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, ठीक है, जय हिंद जय भारत।